अनुष्का मैम, क्या करते हो आप? कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? कैसी रही इक्विटीज की जर्नी? अनुष्का मैम, अनम्यूट करना है हमको, शायद आप म्यूट पे हो। हेलो। हाँ, अब आ रही है मैम। क्या बोल रहे थे आप, फिर से बोलो प्लीज। सर, मैंने अभी 5-6 मंथ से ज्वाइन किया है, मेरे हस्बैंड करते हैं, उनके साथ मैं थोड़ा सीख रही हूँ अभी। हाँ, 5-6 महीने से, मतलब आप हस्बैंड ही डिसाइड कर रहे हैं कौन से स्टॉक्स वगैरह है ना, आप साथ में yes, समझ रहे हो। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। yes, अनुष्का मैम, पहला सवाल, वैसे मुस्कुराहट बता रही, 5-6 महीने बुरे गए नहीं है आपके। सर, मेरा पहला सवाल कौन क्वेश्चन है कि मैंने BSE के 25 शेयर लिए हुए हैं। किस भाव पे लिए मैम? अनुष्का मैम, किस रेट पे लिए हुए हैं 25 शेयर्स? 439.20 पे। हाँ जी। और ये लंबी अवधि के लिए थे है ना, BSE तो उसी तरह का स्टॉक है। यस सर। ठीक बात भाई, आशीष जी क्या करा जाए, बढ़िया ट्रेड है जो हस्बैंड ने लिया, अनुष्का मैम ने मिलकर लिया होगा आई एम अज्यूमिंग। 25 शेयर 440 की खरीद, 200 रुपए मेरी बाइंग से ऊपर चल रहा है, 645 पे खड़ा हुआ स्टॉक। क्या करना चाहिए मुझे, रखे रहूं, मुनाफा बांधू, रणनीति क्या होगी? ये अच्छी प्रॉफिट पोजीशन है, आपको आउटलुक अच्छा लग रहा है तो और भर लूंगा। इनफैक्ट मेरे स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी अनुष्का मैम को, और इनफैक्ट जो भी नए निवेशक है जो इस सेक्टर में दोबारा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पिछले एक साल में BSE हो, CDSL हो या दूसरे स्टॉक ब्रोकर ने जिसके उन्होंने सभी ने अंडर परफॉर्म किया था, और अब दोबारा से परफॉर्मेंस शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे NSE का वैल्यूशन बढ़ रहा है, और NSE का वैल्यूशन और बढ़ेगा अभी क्योंकि उन्होंने जो गिफ्ट सिटी में निफ्टी को ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, तो उसका बहुत बेनिफिट BSE को भी मिलने वाला है, क्योंकि पीयर सेट का एवैल्यूएशन बढ़ता है तो बिल्कुल उसको भी बेनिफिट होगा। मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में आप बने रहिए, और जो नए निवेशक इस स्टॉक में निवेश करने का सोच रहे हैं, 625 रुपए के आसपास अब समय आ गया है दोबारा से BSE को एक्यूमुलेट करने का, तो किसी भी गिरावट पे स्टॉक को बाय करें, गिरावट पे खरीदारी करने का। अनुष्का मैम, आपको तो होल्ड करके चलना है इस स्टॉक को क्विकली। इस बीच मनाली मैम के पास जा रहा हूँ, मनाली बाला पुणे से जुड़ती हुई। मनाली मैम, आपका सवाल। नमस्ते आशीष जी, मेरा ये है कि मेरे पास TCS है 40 शेयर्स एट द रेट ऑफ 32.30, तो मुझे ये कब तक होल्ड करना चाहिए? मुझे तो ये 3400 तक या 3450 तक चला जाए तो ही काफी है, बट ये थोड़े दिन पहले 3100 तक चला गया था तो मुझे घबराहट हो रहा था, तो ये वापस से कब तक? मैं समझ गया, मैंने लिया क्यों था, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या गिरा हुआ था, सोचा ट्रेडिंग कर लूंगी निकल जाऊंगी, मन क्या था? बेसिकली मुझे IT पसंद है, मेरे पास कोफोर्ट, टेक महिंद्रा ये सब भी है, मतलब 5-6 IT है, तो मुझे IT से अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ, ऐसा कुछ नहीं कि ट्रेडिंग करके निकलना था जल्दबाजी थी कोई, ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं, मुझे अच्छा मुनाफा मिल जाता है, 200-300 या 400 पॉइंट तो मैं एग्जिट कर लेती हूँ। बस अभी वहां पे कृपा अटकी हुई है कि 200-300-500 रुपए निकले नहीं अभी तक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। IT पे भरोसा था तो फिर TCS पे क्यों नहीं था रखने का, थोड़ा सा टफ पीरियड से पॉकेट गुजर रही है। थोड़ा थोड़ा करके निकलता है ना, इसलिए 30-30 पे खरीदा हुआ है, ऐसा नहीं कि आशीष जी अभी भी नुकसान हो रहा है, 30-80 पे खड़ा हुआ है, लेकिन अपना मन था 200-300-500 आ जाते तो मजा आ जाता। कब तक आएंगे आशीष जी? 200-300-500 आने में तो थोड़ा समय लगेगा, लार्ज कैप स्टॉक है, इतना आसानी से इतना मूव नहीं करता है। देखो 200-300-500 IT स्टॉक में कमाने हैं तो आपको परसिस्टेंट कोफोर्ट जैसी कंपनियों में निवेश करना रहेगा, जहां पर जो मोमेंटम है वो काफी फास्ट, बट मुझे लगता है फिर भी इसमें एक अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है अभी, क्योंकि जैसे दोबारा से बातें हो रही है कि इस साल एक और बायबैक TCS अनाउंस कर सकता है, क्योंकि पिछला बायबैक उनका मार्च 2022 में आया था, तो एक साल के बाद ये कंपनी अनाउंस कर सकती है बायबैक, और कंपनी के पास $6 बिलियन का कैश इन हैंड भी है, तो बिल्कुल एक सही मौका बनेगा उनके लिए, क्योंकि अभी स्टॉक प्राइस भी लो है और बायबैक का एक अनाउंसमेंट स्टॉक लिए ट्रिगर साबित हो सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी अभी स्टॉक में बने रहिए आप, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यदि बायबैक आता है तो बिल्कुल 3400-3450 के लेवल भी स्टॉक में जल्दी देखे जा सकते हैं, और यहाँ से मुझे अब डाउनसाइड नजर नहीं है। परफेक्ट। अच्छा मैं आता हूँ बाकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए।